नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 8 बजे के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कश्मीर घाटी से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक हर जगह अब एक पंच से आतंक का एनकाउंटर हो रहा है। एक होकर मुकाबला करने पर भारत के सामने आतंकवाद कितना छोटा हो जाता है, ये आगे आपको दिखाएंगे। कश्मीर से एलओसी तक आतंक का एनकाउंटर। चार फिदायीन हमलावर थे जो कि रात में करीब 2-12 बजे यहाँ पे आए बैठे जंगल में। चेतन चीता के बहादुरों ने फेल कर दी आतंकियों की साजिश। हम यहाँ अपने पोजीशन ले लिए, उसके बाद एक्शन कर लिया। एक्शन करने के बाद चारों को ढेर करा दिया हमारी टीम ने। संदीप ने उसका वेपन देखा, संदीप ने फायर किया, फिर उन्होंने फायर किया। फर्स्ट इंपैक्ट में ही दोनों इंजर्ड हो गए। फेल हो गया बांदीपुरा को उरी बनाने का पाकिस्तानी प्लान। पेट्रोल बम है, पेट्रोल की केन भी मिली है, काफी चीजों के पास था। मतलब दे आर प्लानिंग टू बर्न द कैंप एंड मेक द ह्यूज कैजुअल्टी। बांदीपुरा के सीआरपीएफ कैंप में पाकिस्तान को बॉर्डर वाला जवाब। चार डेड बॉडीज हैं, चार ग्रेनेड हैं, चार AK-47 हैं, करीब 16 मैगजीन है, काफी मात्रा में अम्युनिशंस है। चार सौ गोलियों से चार आतंकियों का ऑपरेशन खलास। भारत की सेना अभी पूरी मुतहद है, हमेशा तैयार है इनको ख़त्म करने के लिए, और ये जल्दी ही होगा। गवर्नमेंट ने भी तय कर रखा है और कि वो मिलिटेंसी को पूरी तरीके से ख़त्म करेगी। आपको दिखाएंगे कैसे सीआरपीएफ के जवानों ने शहीदों को जोशीली श्रद्धांजलि दी। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जी न्यूज की मुहिम में आज पाकिस्तान की पोल खुलेगी। लेकिन सबसे पहले देखिए आज की सबसे बड़ी खबर, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि कश्मीर में आतंकियों को खलास कर दिया। ये जो पंच आप देख रहे हैं, ये सिक्योरिटी फोर्सेस की यूनिटी का पंच है। जब ये पड़ता है तो दुश्मनों का, आतंकियों का यही हश्र होता है जो अभी इनका कुछ ही सेकंड में होने वाला है। बिल्कुल ऐसे, चाहे एलओसी के पार हो या फिर सरहद के अंदर, सेना के इसी आक्रामक मोड से आतंकियों में खलबली मची हुई है। और इसी बौखलाहट के चलते आतंकियों ने भूल कर दी बांदीपुरा में सीआरपीएफ के कैंप पर हमला करके। चार आतंकी, तादाद में गोलियां, हैंड ग्रेनेड्स, ग्रेनेड लॉन्चर, कैंप को आग लगाने के इरादे से बोतलों में भरा गया पेट्रोल। आप समझ रहे हैं, ये बताता है कि इनकी तैयारी, इन आतंकवादियों की तैयारी कितनी बड़ी थी। लेकिन आतंकियों की तैयारी से बड़ी साबित हुई जवानों की मुस्तैदी और अलर्टनेस भी ऐसी साहब कि बारूद की एक चिंगारी भी हमारे जवानों को छू नहीं पाई। ये सीआरपीएफ के जवानों का सिंह नाद है। चार
चार आतंकियों को नर्क पहुंचाने के बाद ये चीता के जवानों के जश्न का वीडियो है। आतंकियों के पाकिस्तानी प्लान के खिलाफ ये सीआरपीएफ का जय जवान है। सोमवार सुबह 4 बजे के करीब पाकिस्तान के चार आतंकियों के हमले को नाकाम करने के बाद सीआरपीएफ के वीरों ने अलग अंदाज में जश्न मनाया। कश्मीर के बांदीपुरा में संबल इलाके में मौजूद सीआरपीएफ के कैंप पर चार आतंकवादियों ने आत्मघाती हमला किया। क्रॉस फायर दिए थे इधर से, अच्छा, और फिर इधर आके अपना पोजीशन लिया। कैंप में घुसने के चक्कर में थे, लेकिन हम लोग तुरंत जगह पकड़े, अपना अपना पोजीशन लिए और फायर झोंकना शुरू कर। ये कितने बंदे थे? ये सर चार बंदे थे। चार बंदे, हम लोग चार बंदे मार को गिरा दिए। चार फिदायीन हमलावर थे, जो कि रात में करीब 2-12 बजे यहाँ पे आए, बैठे जंगल में। यहाँ उन्होंने अपना सहरी किया, सहरी करके दो मेन गेट की तरफ से आए, दो कैंप के बाएं साइड से जाने के लिए कोशिश किया। और उन्होंने संतरी ने उनको पहले, कैंप में कुत्ते हैं तो उन्होंने थोड़ा सा कुत्ते भौंक दिए, संतरी अलर्ट हो गया। सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन के कैंप पर आतंकियों ने प्लान बनाकर अटैक किया। सबसे पहले संतरी की पोस्ट को निशाना बनाया, लेकिन यही आतंकियों की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने आतंकियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया। संतरी ने उसका वेपन देखा, संतरी ने फायर किया, फिर उन्होंने फायर किया। फर्स्ट इंपैक्ट में ही दोनों इंजर्ड हो गए। फिर उन्होंने यूवीजीएल थ्रो किया, बाकी दो जो पीछे से तो भी आ गए, और बाकी एसडीपीओ और यूनिट कमांडेंट क्यूएटी सभी लोग आकर के 1.5 घंटे पे इनकाउंटर चला और चारों फिदाइन सीआरपीएफ द्वारा सक्सेसफुली यूटिलाइज किए गए। जो सामने पोस्ट है, जो ऊपर पोस्ट दिख रही है जिसमें संतरी है, वहाँ उस पोस्ट से रिटेलिएशन हुई है। और यहाँ इस तरफ जो ऑर्चर्ड्स है, बताया जा रहा है कि जो मिलिटेंट्स हैं, सीआरपीएफ बता रही है कि वो इस तरफ से उन्होंने कोशिश की थी इस वायर को, जो ये वायर यहाँ पर है कैंप को देखते हुए, इस वायर को क्रॉस करने की कोशिश की थी, लेकिन जो संतरी सामने है उसने रिटेलिएशन की। और उसके बाद रिटेलिएशन के बाद एकदम से एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही साथ जो सेना है वो यहां पर पहुंची और उन्होंने रिटेलिएशन में सहयोग किया सीआरपीएफ के। एनकाउंटर के बाद ये भी खबरें सामने आई कि 4 से ज्यादा आतंकवादियों ने हमला किया था, लेकिन आतंकियों को खत्म करने के बाद ये साफ हो गया कि इन चारों ने ही सीआरपीएफ कैंप के खिलाफ साजिश रची थी। ये चार ही थे और ह्यूज क्वांटिटी पे इनको यूवीजीएल ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड, चाइनीज ग्रेनेड, काफी खजूर, सॉरी ये जो अजान करते हैं मेडिसिन, काफी चीजें मिली इनके पास, और करीब 250 राउंड उन्होंने फायर किया चारों ने। आइडेंटिफिकेशन पुलिस के पास गई, आइडेंटिफाई हो जाएंगे, बट चांसेस यही है कि एफटी हैं और एलईटी के बंदे हैं। भारी हथियारों से लैस होकर आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप को राख करने का प्लान बनाया था, लेकिन चेतन चीता की बटालियन से पंगा लेना टेररिस्ट के लिए घातक सिद्ध हुआ। जवानों की सतर्कता की वजह से ही AK-47 और ग्रेनेड से लैस आतंकियों को नुकसान पहुंचाने से पहले ही ढेर कर दिया गया। सीआरपीएफ के मुताबिक आतंकी कैंप को जलाने के लिए पेट्रोल बॉम्ब की तैयारी के साथ आए थे। देखो ये बता दिए आपको, 4 डेड बॉडीज हैं, 4 ग्रेनेड हैं, 4 AK-47 हैं, करीब 16 मैगजीन है, काफ़ी मात्रा में एमुनिशंस हैं, यूबीजीएल हैं, यूबीजीएल के ग्रेनेड हैं, हैंड ग्रेनेड, चाइनीज हैंड ग्रेनेड हैं, मेडिसिन हैं, पेट्रोल बम हैं, पेट्रोल की केन भी मिली है, काफ़ी चीज़ें उनके पास था। मतलब दे आर प्लानिंग टू बर्न द कैंप एंड मेक द ह्यूज कैजुअल्टी। आतंकियों से मिले सामान को देखिए आप, आपको पता चलेगा कि तैयारी कितनी खतरनाक थी। AK-47 की मैगजीन, हैंड ग्रेनेड, 7 अंडर बैरल ग्रेनेड्स और सैकड़ों गोलियां। वक्त रहते सीआरपीएफ कैंप से आतंक का खात्मा हो गया, नहीं तो जवानों को बड़ा नुकसान हो सकता था। उनका उद्देश्य था कि वो कैंप में प्रवेश करके भारी नुकसान पहुंचाते और एक लंबी लड़ाई के लिए वो मुस्तैद होके आए थे, लेकिन हमारे जवानों की अलर्टनेस से और उनकी बहादुरी से उनके सभी इरादों को विफल कर दिया गया।
करीब डेढ़ घंटे तक चली मुठभेड़ में सीआरपीएफ ने हर एक आतंकी को चुन चुन कर निशाना बनाया। आतंकियों ने सुबह का समय चुना। इस वक्त हमले में पहले कई बार आतंकियों ने काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस बार अलर्ट पहरेदारों ने सही पलटवार किया, इसलिए फिदायीन हमला होने के बावजूद सीआरपीएफ को कोई नुकसान नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों से हमारे पास इनपुट्स आ रहे थे कि फिदायीन अटैक होने के चांसेस हैं, और अकॉर्डिंगली हमने अपने ऑफिसर्स को और जवानों को अलर्ट किया हुआ था। और ये जो पर्टिकुलरली बांदीपुरा संभल का एरिया है, ये काफ़ी डिस्टर्ब एरिया है और इसमें मिलिटेंट मूवमेंट होती रहती है। आतंकियों को मारने के बाद सीआरपीएफ के जवान जोश में दिखे। ये आतंक पर विजय की शुरुआत है, क्योंकि एलओसी पर जो काम सेना ने 10 मई को किया, आज सीआरपीएफ के जवानों ने वही काम सरहद के अंदर किया है। बांदीपुरा से खालिद हुसैन और दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस स्ट्रैटेजी में बदलाव ही तो है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी सीआरपीएफ से लेकर आर्मी तक अग्रेसिव है, अलर्ट है। आतंकियों की अगली चाल क्या होगी, इस बात से पूरी तरह से हमारे जवान वाकिफ है। घाटी में एक्टिव 200 के करीब ये आतंकी ऐसा जरूर कुछ करेंगे कि जवानों का ध्यान एलओसी से हटकर कहीं और फोकस हो जाए और गर्मियों का फायदा पाकिस्तान उठा पाए अपने ट्रेंड आतंकियों को घुसपैठ कराने में। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस एकदम क्लियर है, नो मोर पठानकोट, गुरदासपुर, सांबा या फिर उरी। आज क्या हुआ, कैसे इनको पकड़ के खत्म किया हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने, देखिए। करीब 90 मिनट तक सीआरपीएफ कैंप में आतंकवादियों से लड़ाई चलती रही। AK-47 से लैस आतंकियों ने सैकड़ों गोलियां चलाई, लेकिन जवानों की तैयारी इतनी सॉलिड थी कि सीआरपीएफ के एक भी देशभक्त को बारूद छू तक नहीं पाया। इसलिए हमारे जवान एक तो नंबर वन वेल ट्रेन थे और फिर मेंटली तौर के ऊपर काफी अलर्ट थे, और इन्होंने जैसे ही ऑब्जर्व किया कि कोई आ रहा है हमारे कैंप के ऊपर, तो इन्होंने इमीडिएटली उसको एंगेज किया। सुबह करीब 4 बजे जब अटैक हुआ, ठीक उसी वक्त आंधी की वजह से बिजली सप्लाई रुक गई और कैंप अंधेरे में डूब गया। किसी तरह जनरेटर स्टार्ट किया गया और फिर आतंकियों की लोकेशंस का पता लगाया गया। आतंकी दो दो के ग्रुप में बटे हुए थे। सबसे पहले क्विक रिएक्शन टीम ने दो आतंकियों को ढूंढ निकाला, फिर बाद में पीछे छिपे हुए दोनों आतंकियों का भी पता लगाया। आतंकियों को कैंप के बारे में पूरी जानकारी मिल गई थी, क्योंकि अटैक से पहले पास में ही ये छिप कर बैठे थे। सुबह जो इस कैंप पर करीबन 3:50 के करीब अटैक हुआ, जिसे सीआरपीएफ फिदायीन अटैक बता रही है, उनका कहना है कि उससे पहले जो मिलिटेंट उनके मुताबिक यहां पर बैठे हुए थे और यहां पर उन्होंने ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स हैं, केले हैं, ये सब खाने पीने का सामान जो है ये उन्होंने यहां पर खाया, और यहां पर खाने के बाद जो कैंप यहां पर जो करीबन 100 मीटर की दूरी पर है वो उसकी तरफ बढ़े और करीबन 3:50 पर जो मेन रोड है उस पर पहुंचे और वहां उन्होंने कैंप की जो वायर है उसको काट कर अंदर जाने की कोशिश की। 100% फिदायीन अटैक है, एकदम तो क्लियर है। फिदायीन अटैक कैंप में घुसने का प्रयास किया, फायर किया, ये तो संतरी की एकदम सजगता थी, उसने विश्वास वेरी अलर्ट, और दैट्स व्हाई चारों मारे गए। सर, पहले से ही इस इलाके में थे कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है? अब ये तो बड़ा मुश्किल है कहना, बट यहाँ पे तो कुछ मूवमेंट है, इनका इनपुट है कि यहाँ पे कुछ मिलिटेंट करीब 15-16 FT का इनपुट है, क्योंकि जो हाजिन वाले एरिया में मूवमेंट है उनका। करीब 90 मिनट तक चले एनकाउंटर में सीआरपीएफ जवानों का साथ देने के लिए सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के सैनिक भी शामिल हुए। 4 आतंकियों को खत्म करने के बाद पूरे इलाके में एक एक कोना तलाशा गया। इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी कामयाबी मिली सीआरपीएफ को, जिसने कैंप की सीमा से बाहर ही आतंकियों को खत्म कर दिया। उस वक्त अंधेरा था और जैसे ही इस वायर में हलचल हुई तो इसके कई जगहों पर जो है शीशे की बोतलें लटकी हुई है, जिनके कारण जो आवाज़ बरपी और साथ ही साथ जो कैंप है, कैंप के जो उस तरफ संतरी पोस्ट है, उस संतरी पोस्ट को जब ये आवाज़ें सुनाई दी तो वो एकदम से अलर्ट हुआ और उसने इनको नोटिफाई किया कि ये कहाँ पर हैं। फिर एकदम से उसने फायर खोला और उसके फायर खोलने के साथ ही जो बाकी
गार्ड्स थे या फिर अंदर जो सुरक्षा बल थे उन्होंने भी एकदम से मोर्चा संभाला। फदाइन अटैक्स में ऐसा होता है कि आपका जो फर्स्ट रिएक्शन होता है, जो पहले एक दो मिनट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये इस बार हमारे जवानों ने पहले जो इनिशिएटिव जो उनके पास था, उनके पास नॉर्मली रहता है, वो उन्होंने इनिशिएटिव को ख़त्म कर दिया, और ख़त्म करने के बाद इनको एंगेज किया और सारे के सारे फेंसिंग के बाहर कोई 5 गज के अंदर अंदर सबको मार दिया। करीब 16 घंटे पहले यानी सुबह 4 बजे के करीब सीआरपीएफ के जवानों ने वही किया जो अब सेना कश्मीर के अंदर और बाहर दोनों जगह पर कर रही है, यानी आतंकवादियों और आतंकी साजिश करने वाले दोनों दुश्मनों का सर्वनाश। तुम हमारे 2 जवान शहीद करोगे, हम तुम्हारे 4 खत्म करेंगे। शनिवार को यानी 2 दिन पहले आतंकियों से लड़ते हुए सेना के 2 जवान शहीद हो गए, और आज उसी का डबल बदला लेते हुए सीआरपीएफ ने 4 आतंकियों का एनकाउंटर कर दिया। ये देश के वीर जवानों के बदले की कहानी है, जिसमें एक तरफ जवानों की जोशीली श्रद्धांजलि है तो दूसरी तरफ शहीद के परिवार का अभिमान वाला आंसू है। कुलगाम के आतंकी हमले में शहीद सेना के 2 जवानों को सीआरपीएफ ने आतंकियों को ढेर करके श्रद्धांजलि दी। आतंकी हमले में शहीद हुए सेना के दोनों जवानों को पूरे सम्मान के साथ आज अंतिम विदाई दी गई। शहीद नायक दीपक कुमार मैती का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचते ही हजारों की भीड़ जमा हो गई। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर की जनता आज वीर सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ी। घर के अंदर परिवार के सदस्यों में मातम था, लेकिन इनके आंसुओं में भी देश के लिए अभिमान दिखाई दे रहा था। महिलाओं से लेकर बच्चे बूढ़ों तक हर किसी ने नम आंखों से शहीद दीपक मैती को श्रद्धांजलि दी। लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। पाकिस्तान का सेलिंग में जब हम साथ में ही रहे, जो मेरा एक दोस्त है उनका एक बड़े भाई भी मेरे साथ है, इनका छोटा भाई को भी पाकिस्तान का स्प्लेंडर लगा, जिनमें से दीपक मैती उनको वहां से गनेरिया से सुरक्षित बचा के फिर अपना आर्मी का जो बेस कैंप है श्रीनगर में उनको वहां से शिफ्ट किया, फिर उनको श्रीनगर से हेलीकॉप्टर में हमारा आर्मी बेस कैंप आरआर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वो अपने और अपने दोस्त की जिम्मेदारी के बारे में या देश की रक्षा के लिए कितना भी काम हो जिसके बारे में उसको बोलना कि मतलब काफी नहीं है जो उनके बारे में कैसे काम करते हैं। शहीद नायक दीपक मैती साल 1997 में सेना में शामिल हुए थे। 3 मई को कुलगाम में आतंकियों से लड़ते हुए वो देश के लिए कुर्बान हो गए। शहीद दीपक की तरह ही जब उनके साथी शहीद ग्रेनेडियर मणिवन्नन का पार्थिव शरीर तमिलनाडु पहुंचा तो परिवार का दर्द फूट पड़ा। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। गांव के तमाम लोग अपने वीर सपूत की शहादत को सलाम करने पहुंचे। पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद मणिवन्नन का अंतिम संस्कार किया गया। शनिवार को कुलगाम में सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने AK-47 से काफिले पर फायरिंग की थी, जिससे नायक दीपक मैती और ग्रेनेडियर मणिवन्नन शहीद हुए थे। शहीदों को जी न्यूज़ का सलाम।